हे गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग चीज सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको इंग्लिश में पॉटी शू शू करना सिखाऊंगा। बिल्कुल आपने सही सुना है, क्योंकि आज तक मुझे पता है आपने इतनी गलतियाँ की हैं कि सच में आपको नहीं पता होगा। आपने क्या नॉर्मल ऐसा कहा है कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, ऐसा बोला है? ऐसा बोला है ना? ये जिसने बोला है ना, गलत बोला है। मुझे टॉयलेट आ रहा है ये क्यों बोल रहे हो दोस्त? टॉयलेट समझ लो ना, टॉयलेट। टॉयलेट क्या होता है? एक टॉयलेट भी होता है भाई, टॉयलेट भी होता है। टॉयलेट बोलते हैं किराए पे देने के लिए जगह खाली है, ये टॉयलेट है। और टॉयलेट क्या होता है? ये एक प्लेस होता है दोस्त, प्लेस। ये जगह का नाम है जहाँ पर सूसू की जाती है, पॉटी की जाती है, ये उस जगह का नाम है टॉयलेट। आज तक आप लोग गलत करते आए, समझे? अब ध्यान से सुनो, टॉयलेट में हम क्या कर सकते हैं? सूसू कर सकते हैं, पॉटी कर सकते हैं। सूसू कर सकते हैं, पॉटी। अब ध्यान से सुनो, सूसू करने को क्या बोलते हैं? टॉयलेट करना? नहीं, टॉयलेट तो एक जगह का नाम हुआ ना, तो सूसू करने को बोलेंगे पी। पी बोलते हैं सूसू करना। और ऐसे ही पॉटी करने को बोलते हैं पूप। समझ में आया? ये पी और पूप, पी और पूप। पॉटी करनी है तो पूप, और सूसू करनी है तो पी। इसकी थर्ड फॉर्म भी है, पी की थर्ड फॉर्म है पीड, और पूप की है पूप्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब मैं डेली लाइफ यूजिंग के वो सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आप लोग गलत बोलते आए हैं। आपको अगर बोलना है कि मुझे बहुत तेज सूसू आ रही है, तो कैसे बोलोगी? ये एक सेंटेंस चुराया गया है, एक मूवी थी सलमान खान की, जय हो, उसमें एक बच्ची कहती है बैडली। बहुत तेज आ रही है ना, तो बैडली बैडली पी। आई नीड टू पी बैडली, मतलब मुझे बहुत तेज सूसू आ रही है। आई नीड टू पी बैडली, और बहुत तेज पॉटी आ रही है तो आई नीड टू पूप बैडली। आई नीड टू पी बैडली, मुझे बहुत तेज सूसू आई है। आई नीड टू पूप बैडली, क्योंकि मुझे बहुत तेज पॉटी आई है। तो ये समझ में आया आपको? Yes. मज़ा आया? Yes. अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। आप मान लीजिए टॉयलेट के अंदर हैं, आप कोई पूछ रहा है, अरे भाई क्या कर रहा है, या किसी का फ़ोन आ गया, क्या कर रहा है? मैं पोटी कर रहा हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? आई एम पूपिंग, मैं पोटी कर रहा हूँ, आई एम पूपिंग। नेक्स्ट, अगर टॉयलेट कर रहे होंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम पींग, मैं सूसू कर रहा हूँ, आई एम पींग। ये चीज़ हमारे ना बचपन से ही गलत सिखाती जाती है। बच्चों को लगने लगता है कि टॉयलेट करना मतलब टॉयलेट इज़ अ प्लेस। स्कूल में से ही सिखाते हैं, मे आई गो टू टॉयलेट, टॉयलेट जा सो, टॉयलेट इज़ अ प्लेस। समझ पाया? चलिए नेक्स्ट। जैसे ऐसा हो जाता है, यार मैंने पोटी कर ली, मैंने पॉटी कर ली, आई पूप्ड। हाँ, हो गया काम। सेकेंड फॉर्म, आई पूप्ड या आई हैव पूप्ड, दोनों एक ही बात है। आई पूप्ड, मैंने कर ली, या आई हैव पूप्ड, मैंने कर ली है, दोनों एक ही चीज़ है लगभग, ठीक है? और अगर कहना हो, अरे आंटी आपके बच्चे ने पॉटी कर ली, आंटी योर चाइल्ड हैज पूप्ड, आपके बेटे ने सुसू कर ली, Your son has pooped. Peed. सुसु को पीड बोलेंगे, ठीक है जी? समझ में आ गया? अब ऐसा है कि कभी कभी पॉटी आने से पहले बहुत ही पेट में दर्द हो रहा है, तो कैसे बोलेंगे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है? I'm having stomach. अब देखो, दुनिया का कोई भी दर्द हो, स्टमक में है तो स्टमक एक, एक बोलते हैं दर्द को। पेट में तो स्टमक एक, कंधे में है तो शोल्डर एक, सिर में है तो हेड एक, ठीक है? और जोड़ों में और जॉइंट एक, तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। तो मेरे पेट में दर्द है, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, तो बोलेंगे आई हैव स्टमक एक, स्टमक एक, ठीक है? समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब पॉटी कर ली ना आपने, तो कहो कि अब अपने हाथ इससे टॉवल से पूछ लो, वाइप योर हैंड विद टॉवल। ये नॉर्मल सेंटेंस है, डेली लाइफ यूजिंग में हमने बता दिया था, वाइप योर हैंड विद टॉवल, टॉवल से अपने हाथ पूछ लो, वाइप योर हैंड विद टॉवल। नेक्स्ट, आपको बोला जल्दी करो यार मुझे बहुत तेज से आई है,
क्या आई है? व्हाट इज इशू? प्लीज हरी अप, आई बैडली पी. आई बैडली पी नहीं, अरे जल्दी करो भाई, हरी अप, मुझे जोर से आई है. माई प्रेशर इज जस्ट इमेंस. माई प्रेशर इज जस्ट इमेंस. इमेंस आपको याद करना पड़ेगा दोस्त, ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? इमेंस मतलब बहुत जोर से आई है, जो कंट्रोल नहीं हो सकती, ठीक है? नेक्स्ट. अरे आंटी, आपके बच्चे ने फर्श पर पॉटी कर दी. आंटी योर सन, आंटी योर बेबी, बेबी आंटी योर बेबी हैज पूप्ड ऑन द फ्लोर. हाँ, अरे आंटी आपके बेटे ने सुसु कर दी. आंटी योर सन हैज पीड ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर. और अगर पॉटी कर दी तो योर सन हैज पूप्ड ऑन द फ्लोर. अब ये ध्यान रखना है, सन है तो सन, गर्ल है तो डॉटर, और बच्चा है आपको नहीं पता कौन है ये, तो चाइल्ड, चाइल्ड या बेबी, ठीक है? नेक्स्ट. है बहुत बदबू आ रही है. पॉटी कर दी ना फर्श पे, अब बदबू आ रही है. तुमने मुझे नहीं बताया आज ये क्लास है, मैं सो जा. इट्स स्टिंकिंग, इट्स स्टिंकिंग. स्टिंकिंग याद करना पड़ेगा, बहुत ही बदबू आना. स्टिंकिंग कुछ चीज़ से दुर्गंध आना, स्टिंकिंग, ठीक है? नहीं, स्मेल सूंघने को बोलते हैं, ठीक है? तो इट्स स्टिंकिंग, बदबू आ रही है, ठीक है? नेक्स्ट एंड लास्ट. मुझे बहुत सख्त पोटी आ रही है. आई पी टाइट. भाई ऐसा नहीं है, मुझे बहुत सख्त पोटी आ रही है. आई हैव वेरी हार्ड स्टूल. आई हैव वेरी हार्ड स्टूल. स्टूल मतलब वो नहीं जिस पर बैठते हैं, स्टूल बोलते हैं पोटी को. स्टूल टेस्ट होता है, जो लैब में साइंटिफिक नाम है पोटी का, वो स्टूल बोलते हैं. तो स्टूल टेस्ट होता है, ठीक है? सो आई हैव वेरी हार्ड स्टूल. और अगर पतली आ रही है तो लूज मोशन. लूज. आई हैव वेरी लूज स्टूल. बड़े बुरी क्लास थी ये आज यार, थोड़ा सा ऐसे ही है. नेक्स्ट. उसका पेट खराब है. आई थिंक हिज स्टमक खराब है. अपसेट. 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 अगर पेट खराब है तो अपसेट होना, मतलब योर स्टमक इज अपसेट या माई स्टमक इज अपसेट. मेरा पेट खराब है तो माई स्टमक इज अपसेट. सो गाइज, आज की क्लास में बहुत बदबूदारी हो गई, छीछी 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 हो गई. तो अब हम लोग आज की क्लास को यहीं बंद कर रहे हैं. और आज 5 बजे और 6:30 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद 8 बजे लाइव क्लास है. ज़रूर देखते रहिए. बाय बाय एवरीबडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.